ओके जी, तो हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से पीएचपी को इस्तेमाल करते हुए ईमेल सेंड करेंगे। बेसिकली ये मेरा एक पेज है जिसका नाम मैंने रखा है sendemail.php। ठीक है, ये मैंने अपने एक डोमेन पर लाइव किया है। ठीक है, जो मैं तरीका इसमें बता रहा हूँ आपको वो ये है कि भाई हम किसी भी वेबसाइट के थ्रू या किसी पेज के थ्रू ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं, और ये हम लाइव वेबसाइट में कर सकते हैं, ये हम लोकल होस्ट से नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा तरीका जो होगा इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे, तो वो फिर लोकल होस्ट से भी चलेगा। पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं एक बेसिक HTML के पेज की। HTML का पेज है, इसके अंदर हेड हो गया, हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं, ओके जी दिस इज टाइटल। टाइटल हमारा सेट हो गया, इसके बाद हमने बॉडी बनाई। अगर हम बूटस्ट्रैप यूज करना चाहते हैं तो हम बूटस्ट्रैप का CDN यहाँ से ले लेते हैं। कॉपी कर सकते हैं और ये हम पेस्ट कर दें तो बूटस्ट्रैप आपके पास आ गई। अब आप एक डिव बना लें, उसको क्लास दे दें आप, जैसे कंटेनर बनाना चाह रहे हैं। कंटेनर में आप एक रॉ बना लें, रॉ के अंदर हम एक टेप लेते हैं स्मॉल 6। ठीक है, ये हमने कॉलम ले लिया। तो सब यू कि आप किस तरह का फॉर्म बनाना चाहते हैं। मैं फॉर्म बनाना चाहता हूँ तो मैं एक फॉर्म ले लूंगा, एक्शन मैंने कुछ नहीं लिया और मेथड जो है मैंने पोस्ट इस्तेमाल किया। उस फॉर्म के अंदर मैं एक टेबल बना लेता हूँ ताकि मेरा लेआउट ठीक रहे। टेबल को भी मैंने क्लास दे दी, टेबल की है बूटस्ट्रैप की अच्छी क्लास है। टेबल रॉ बनाई, टेबल डेटा, और उसमें मैंने लिखा 2 कि हमने ये ईमेल किसको भेजना है, और TD में दूसरे मैंने इनपुट टाइप ईमेल लगा दिया और उसको रिक्वायर्ड कर दिया ताकि खाली सबमिट ना हो, और उसको एक नेम मैंने दे दिया TXT2। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्म हमारा तैयार हो गया, बेसिक सा फॉर्म स्टार्ट हो गया मतलब बनना। ये फॉर्म हमारे पास आ गया। ये 2 के बाद मैंने इसके अंदर एक और हेडिंग डाली सब्जेक्ट की, जिसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा। इनपुट टाइप मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया और इसका नाम रख लिया TXT सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक मैसेज के लिए टेक्स्ट एरिया लगाया और टेक्स्ट एरिया को हमने रिक्वायर्ड कह दिया, नेम इसको कह दिया TXT MSG मैसेज, और ये टेक्स्ट एरिया हमने बंद कर दिया। तो हमारे पास एक पूरा फॉर्म का माहौल रेडी हो गया। 2 सब्जेक्ट मैसेज, ये 3 चीज़ हमने लिखनी है। यू कैन यूज अ क्लास एज वेल, आप एक क्लास यहाँ दे दें फॉर्म कंट्रोल की, तो थोड़ा सा खूबसूरत नजर आएगा आपको। फॉर्म बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक, टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए। ठीक, इसको मैं कॉलम 3 कर लेता हूँ ताकि छोटा सा हो जाएगा। 4 कॉलम कर लिया, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह का डिजाइन बनाना चाहते हैं। ठीक है, छोटा सा ओके। देन हमारे पास हमें चाहिए एक बटन जो कि सबमिट का बटन हो, तो हम एक और रो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इनपुट टाइप सबमिट ले लिया और उसको हमने नेम दे दिया BTN, कोई भी नाम दे दें आप, क्लास उसको हम दे देते हैं BTN प्राइमरी, और बटन पे वैल्यू हम लिख देते हैं सेंड। हमारे पास ये बटन गया, ओके ठीक है बिल्कुल। तो अब हमने ये 3 चीजें भरनी है और ईमेल सेंड हो जाएगी। अब
ईमेल किस तरह से ऐड होती है पीएचपी में, आइए इस पर बात करते हैं। फॉर्म के बाहर आए और यहाँ पर अगर हमने पीएचपी के टैग लगाए और हमने वेरिएबल टू बनाया और उसको अच्छा हम ज्यादा बटन क्लिक होकर चले तो हम यहाँ इस सेट लगाए थे इफ इस सेट, जब हमारा पोस्ट मैसेज जो बीटीएन है जब वो प्रेस होगा मतलब जब उस बटन की वैल्यू सेट होगी तब ये सब चलेगा। एक वेरिएबल बनाया टू और उसके अंदर मैंने कहा जो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से जो टीएक्सटी टू है उसकी वैल्यू यहाँ आ जाए। इसी तरह मैंने एक सब्जेक्ट का वेरिएबल बना लिया और मैंने टीएक्सटी सब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ ले ली। एक और वेरिएबल मैंने बना लिया एमएसजी करके मैसेज और टीएक्सटी एमएसजी की वैल्यू यहाँ ले। ये तीनों मेरे टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, एक दो ठीक है, तीनों चीज़ें मैंने अपने पास जमा कर ली। नाउ एक बहुत ही सिंपल मेथड है पीएचपी में मेल सेंड करने के लिए, आप लिखिए मेल और टू पास कर दें, उसके बाद आप सब्जेक्ट पास कर दें और उसके बाद आप एमएसजी पास कर दें। अब ये जो मेल सेंड होगी, अगर मेल सेंड होगी तो ठीक, अदरवाइज डाय, मेल अगर सेंड नहीं हुई तो आ जाए भी एरर वाइल सेंडिंग ईमेल, ठीक है ये एरर आ जाएगा। अगर एरर हुआ तो डाय चल जाएगा, अदरवाइज अगर डाय नहीं चला मतलब मैसेज सेंड हो गया तो हमारे पर लिखा हुआ आ जाएगा ईमेल सेंड, ठीक है जी। तो ये आपके पास छोटा सा मैंने सेटअप बनाया। अब जब ये ईमेल सेंड करता है तो इसमें फ्रॉम नहीं होता एक्चुअली, इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि ईमेल कौन सेंड कर रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए ये ईमेल नॉर्मली स्पैम में चली जाती है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से हम चला कर देखते हैं कि भाई ईमेल सेंड हो रही है या नहीं। यहाँ पर मेरे पास इनबॉक्स में यहाँ देखिए स्पैम है, स्पैम में कुछ 23 ईमेल्स हैं, मैं इनको खाली कर लेता हूँ। मेरा स्पैन इस वक्त खाली है और इनबॉक्स में मेरे पास 2234 ईमेल्स हैं, ठीक है 100 ईमेल में। अब मैं यहाँ से ईमेल सेंड करता हूँ अपने आप को। ईमेल में मैंने लिखा अफनान यूसुफ एट gmail.com जिसको हम भेज रहे हैं। सब्जेक्ट में हमने लिख दिया टेस्टिंग ईमेल और मैसेज में हमने लिखा ये ईमेल टेस्ट पर्पस के लिए है, ठीक है जी। सेंड किया हमने तो देखिए ईमेल सेंड हो गई, इसका मतलब है कोई एरर नहीं जनरेट हुआ, ईमेल सेंड हो गई। अब यहाँ पर आके देखें मेरे पास लॉजिक DQR से एक ईमेल आई है, ठीक है। अब ये क्यों लॉजिक DQR से आई है कि ये मेरी होस्टिंग से भेजी गई है, ये किसी ईमेल एड्रेस से नहीं भेजी बल्कि हमने एक होस्टिंग से भेज दी है। तो देखें बिल्कुल प्रॉपर ईमेल इनबॉक्स में आ गई और टेस्टिंग ईमेल लिखा हुआ भी आ रहा है और इसका सब्जेक्ट भी आ रहा है, इसको खोल के देख लेते हैं। यस देखें प्रॉपर ईमेल है, हमारे पास ईमेल आ गया। लेकिन जब आप इसको रिप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये रिप्लाई इस पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मसला है, बाकी ईमेल सेंडिंग आपकी हो गई। तो नॉर्मली जो सर्वर से ईमेल सेंड करते हैं वो इस तरह कर देते हैं, ठीक सर। और नजर बात